अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलमास कुरैशी है और दिल लाइव शो में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज जो मैं आप लोगों को नमकीन डिश बनाना सिखा रही हूँ उसका नाम है स्पेशल चिकन कढ़ाई। और मैं आपके सामने बनाऊंगी, आपको हर चीज़ बताऊंगी और उम्मीद है कि आप लोग भी ट्राई करेंगे और आप लोगों को भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। एक किलो चिकन, चार से छह टमाटर कटे हुए, छह से आठ हरी मिर्चें साबित, दो टेबलस्पून अदरक लहसुन, डेढ़ इंच टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक का, सॉल्ट टू टेस्ट, वन टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, वन टीस्पून कुटी काली मिर्च, वन टीस्पून टोमेटो केचप, वन टीस्पून चिल्ली सॉस एंड वन टीस्पून कुटी लाल मिर्च। पहले हम अपनी फर्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं। दुआ करना बहुत अच्छी बन जाए और आपको भी पसंद आए इंशाल्लाह ताला। ये मैं सबसे पहले इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, हाफ से पौना कप ऑयल चला गया। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ चिकन। ये है झटपट कढ़ाई और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। और जल्दी में भी हो तो भी कर सकते हैं, घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए आपके, बहुत जल्दी हो कुछ ना हो घर में, कोई एक मेहमान आ गया, दो आ गए, आपके हस्बैंड की दोस्त आ गए, उसे आके आराम से बनाएंगे, बहुत इजली बनेगी, झटपट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस चिकन निकालिए, घर में चिकन का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें इंशाल्लाह आपकी मुश्किल आसान होगी, मैं आपको बता रही हूँ। आप कभी ट्राई कीजिए, ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत पसंद आएगी, सबको पसंद आएगी, मेरे घर वालों को बहुत पसंद है मेरी कढ़ाई, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है और मेरे दामाद को। और मेरे दामाद तो वैसे ही मेरे खाने के बहुत बड़े फैन हैं, अच्छा बनाऊँ ना बनाऊँ बहुत शौक से खाते हैं और झूठी तारीफें भी करते हैं। ये हो गया, अब मैं इसमें देखिए अदरक लहसुन डालने जा रही हूँ आपकी, ये देखिए अदरक एंड लहसुन दो पेस्ट, इसके साथ देखिए तो बोलना है ताकि चिकन में स्मेल ना रहे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसके साथ आपको भूनना है, बहुत ज़रूरी है चिकन गलता भी बहुत जल्दी है, आपको ये भी पता होगा, पकाने पकाने भूनने भूनने में गल जाता है। वैसे मेरे घर के अलावा मेरे ससुराल वाले मुझे मेरे खाने पता नहीं क्यों पसंद करते हैं, हालांकि मैं ऐसा कोई वो नहीं है शौक, लेकिन बनाती बहुत बना लेती हूँ, अच्छा बना लेती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फ्राई हो गई है, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, इतनी फ्राई हो गई है कि चिकन का जो है वो कलर बदलना चाहिए, बहुत जरूरी है, कच्चापन ये जो देखने जो नजर आ रहा है ये नहीं होना चाहिए चिकन के अंदर बिल्कुल भी, कच्चापन आपको दूर करना है, स्मेल खत्म हो जाती है इससे, क्योंकि तो पानी में डलता नहीं है इतना, कुछ भी नहीं होता।
अब मैं दाल डाली इसका मसा लेती हूँ। अदरक लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डालू नमक को टेस्ट अपने हिसाब से नमक डालिएगा और ज्यादा ना हो जाए। चलिए ये मैं इसमें डालने जा रही हूँ एक टी स्पून के बराबर नमक जीरा, एक टी स्पून के बराबर कुटी काली मिर्च, ये रहा मैंने डाली दो एक टी स्पून के बराबर कुटी लाल मिर्च डालेगा, एक टी स्पून टोमेटो सॉस डालेंगे हम, एंड वन टी स्पून चिली सॉस बेस्ट पाउडर आगे देखते हैं। टमाटर इसमें चले गए और ये टमाटर के पानी से इसका जो टमाटर का पानी निकलता है इससे चिकन बहुत बहुत गल जाएगी है। इसको हम थोड़ा सा आग कम करके इसको थोड़ा सा पकने देंगे, ठीक है डन। अभी इसको 5 से 10 मिनट हम पकने देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर गार्निश के लिए ये हरी मिर्चें डालेंगे दम पे, फिर इस अदरक कुटी कटी हुई अदरक से इसको हम गार्निश करेंगे और हमारी चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल है ये थोड़ी सी ये तैयार है, तैयार हो जाएगी। जी नाज़रीन देखिए ये कढ़ाई बस 5 से 10 मिनट में रेडी होने वाली है, इसको थोड़ा सा टाइम है, टमाटर का थोड़ा सा पानी निकलता है वो तो आप लोगों को भी पता होगा, जैसे ही पानी खुश होगा फिर इसको हम मैरिनेशन करेंगे, इसमें हरी मिर्चें जाएंगी दम पर, फिर इसमें हम कटी अदरक डालेंगे उसको तो 5 मिनट के लिए दम कर देंगे, जब तक इसका पानी खुश होता है क्यों ना हम अब चले हम अपनी दूसरी रेसिपी पे आ जाते हैं। दूसरी रेसिपी मेरी है मीठा, मीठे में मैं आज बना रही हूँ नाज़रीन शीर खुरमा। तो मेरा शीर खुरमा जो है ईद भी आ रही है आप लोगों को तो पता है और ये हर घर की रिवायत है, हमारी मजहबी रिवायत है और ये तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारी ईद नहीं होती। तो हम आपको इसलिए अपनी रेसिपी ले चुके हैं, चलते हैं जब तक ये तैयार होता है चिकन कढ़ाई। चलिए इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी देखते रहेंगे, दूसरी रेसिपी भी तैयार करते हैं, इससे हमारी टाइम की भी थोड़ी बचत हो जाएगी, ये भी तैयार होगा। आइए ना नाज़रीन मैं आपको दूसरी रेसिपी लेकर चलती हूँ। मैं आपको अनुमत मैं आपकी होस्ट शामिल कहती हूँ, मैं आप लोगों के लिए और अपना प्रोग्राम बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकती हूँ www.facebook.com/thelivetv.tv। दिन का आगाज अगर मीठी चीज से किया जाए तो पूरा दिन अच्छा होता है, मीठी मीठी बातों से और तभी अच्छा। मेरे साथ रोज होते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट, हर क्रिमिनल के पीछे कोई ना कोई बड़ा सियासतदान मौजूद है, गेस्ट की तरफ उनसे करेंगे वही रोज की तरह पॉलिटिशियन पे पॉलिटिक्स पे बातें, कैसे रे किरदार तक आवाम इन सियासतदानों को ही पहुंचाएगी इंशाल्लाह, कि माशरे में हमें खुश रहने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, धमाकों के लिए वजीर झटकों के लिए वजीर तैयार है, दहशत गर्दी तो आज माशरे का हिस्सा है और आइंदा वक्त लगता है कि हमारा वैसा हो। अपने सेकंड सेगमेंट में जिसमें है आज पकड़ा है क्या, आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे सेकंड सेगमेंट में, वेल टाइम हुआ है माय थर्ड सेगमेंट का, इसमें मैं आपको अपने गेस्ट से मुतारिफ करवाती हूँ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, सुनो पछताओगे ये बस्ती उजाड़ के, और बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं कश्मीर से पूछूंगी। बड़े बुरे कहते थे हमारे के ना मेहंदी शर्माती है सो है ना रात में लगानी चाहिए ब्राइडल के हमेशा में, कि जब ब्लास्ट हो रहा है और लोग वहां से भाग रहे हैं और आप उस जगह पे भाग रहे हैं।
चले, अपने ट्रैक पर चले, फोकस करके चले, मस्ती जाइए करने हम लोग को चाय पीती जा रहे हैं हम लोग हैं। हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें जो कि www.facebook.com/thelivetv.com। मेरे भाइयों मेरी बहनों लाइव टीवी जरूर देखा करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट रोहित वाशनी एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स आवर। I have brought some news and updates from the sports world what happened in the last week. And goes. Got it! Australia 2-2, England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend, I'll bring you some latest news from the sports world. उनके लोड़े डिजाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करती।
तो मेरे मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर काम होता है. माई प्राइसेज आर नॉट वेरी मच हाई. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6,000 ऑनवर्ड्स. सो कम एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम. हेलो सर, मैं मैडम म्यूजिक आर में आपको बहुत बहुत सामने एंजॉय करें और वापस आए. मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ. सवार लूं, सवार लूं. वीकेंड मूवीज लाइक शॉपिंग, हैंग आउट विद फ्रेंड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं. डू योर फीडबैक ऑन अवर एवरी पेज दैट इज www.facebook.com/thelifetv.tv. अंटिल नेक्स्ट टाइम योर होस्ट एंड आई एम सेइंग गुड बाय. अल्लाह हाफिज एंड कीप वॉचिंग द लाइफ. बनाने जा रहे हैं अपनी रेसिपी तैयार कर रहे हैं शीर खुलने की. 2 kg दूध, 1 packet सेवैया, 2 cup चीनी, 1/2 pound खोया है, बादाम 15 से 20 कटे हुए, पिस्ते 15 से 20 उबले हुए और कटे हुए. ये पाउडर ड्राई मिल्क है, ये मैं इसके अंदर डालूंगी. और ये 8 से 10 कुटी हुई छोटी इलायची. आइए हम अपना मीठे के स्टार्ट करते हैं. ये मैंने 1/2 से 1/4 cup घी डाल चुकी हूँ और इसमें ये 1 tablespoon ये पिसी हुई और कुटी हुई इलायची जाएगी, ठीक है. और इसके अंदर हम ये पूरी सेवैया डाल देंगे, ठीक है. इसके बाद थोड़ा सा हम सेवैयों को भुनेंगे, ओके. इसको भूनना है थोड़े से क्योंकि ऑलरेडी ये वैसे ही बहुत ज्यादा लाल हो रही है. इसको ज्यादा लाल लाल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको. हल्का सा भूने, जलना नहीं चाहिए. हल्की आंच पे भूनेंगे तो ज्यादा सही रहेगा. आप आंच को तेज कर देंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगी. जब जलना शुरू हो जाएगी और आप इसमें जब भून जाएंगे जो जल जाएंगे वो काली काली सेवैया नजर आएंगी और बहुत बुरी लगेगी. इस चीज का आप लोग को बहुत ख्याल करना है, ठीक है. चलो हल्का सा इसको लाइट सा हल्का सा सेकना है क्योंकि ऑलरेडी ये सेकी भी होती है तो इतना ज्यादा सेकने की जरूरत नहीं है. ज्यादा बिल्कुल नहीं सेकना है. चूल्हा आंच को कम कीजिए और इसको थोड़ा चूल्हे से उतारेंगे हम. 2 मिनट का आंच ही बना थोड़ा सा बना के मिला कर ताकि इसमें हम दूध डालें. ये मेरी अम्मी कहती थी, मेरी अम्मी का बहुत अच्छा बहुत पुराना दूध है. मेरी अम्मी कहती थी बेटा कभी भी गर्म दूध नहीं डालना, सेवैयों में शिवकुरन फट जाता है. इसीलिए ये दूध मैंने पकाया हुआ है. 5 से 6 इलायची डाल के, देखिए इलायची भी आपको नजर आ रही होगी. ये दूध मैंने पका के रखा था, उसको फिर मैंने ठंडा किया है. ठंडा करके अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध में
से वही हूँ मैं दूर ताकि टूट फट ना जाए, लेकिन अम्मी का टूट है और इसको मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ और आप भी फॉलो कीजिएगा। कभी भी गर्म दूध मत डालिएगा, दूध फट जाता है, करके देखिए थोड़ा सा बनाइए आधा किलो एक पाव का, देखिए फटता है कि नहीं फटता है। ये देखिए मैं इसमें दूध डालने जा रही हूँ, सीधा गर्माने नहीं, ये गया दूध पूरा इसके अंदर, जलाऊंगी चूल्हा, अब हम जलाएंगे चूल्हा। देखिए आग भी मैंने इसीलिए बंद की थी कि थोड़ा सा देखिए ठंडी हो जाए, हो गया ये देखो हो गया। अब इसमें मैं घी डालूंगी, आप देखते रहें स्पून, चार पांच और ये छह भर के थे, मैंने इसमें चीनी डाली है एक से डेढ़ कप चीनी, आप टेस्ट कर लेना, अगर आपको थोड़ा फीका लगे तो आप डालें, बहुत मीठा ना हो, बस फीके का इलाज है, मीठे का नहीं है, बहुत ज्यादा मीठे का आप इसको टेस्ट कर सकते हैं एक उबाल। मैं थोड़ा सा वेट करूँगी थोड़ा सा उबाल आ जाए। हाँ ये मैंने आपको बताया था ड्राई मिल्क, ये आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, फिर इसका टेस्ट देखिएगा कितना मज़े का है। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से डालिएगा, मिलाइएगा, गोलियाँ ना बने और जल्दी से हल हो जाए। ये तकरीबन आधा पौना कप था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दो ओके। ये जो आप खोया देख रहे हैं, ये आधा खोया इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ और आधा ऊपर से मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, थोड़ा मैं गार्निश करूंगी, गार्निश रखूंगी। ओके ये भी हो गया, बस एक से दो निशानी की जरूरत है, हमारा मीठा तैयार हो जाएगा। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर आपको पसंद आएगा। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, ये मेरा अपना तरीका है, मेरा स्टाइल है। काम करते करते थोड़ा सा किचन को भी साफ किया करें, इसका बहुत जरूरी है साफ होना, साफ रहेगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। किचन में गंदे भी ना छोड़ा करें, बहुत बुरा लगता है जी। ईद आ रही है नाजरी, ईद में अगर ये शिव खुरमा ना हो तो फिर ईद का मजा बिल्कुल नहीं है। हमारे घर वाले जब ईद की सुबह नमाज पढ़कर आते हैं, सबसे पहले नमाज पढ़कर आया, ईद मिला, सलाम किया, गले मिले एक दूसरे से, सबसे पहले शिव खुरमे की फरमाइश होती जी, शिव खुरमा हाजिर हो जाता है। ये हमारी ईद की बहुत बड़ी रिवायत है और बरकरार है और इंशाल्लाह हमेशा इसी तरह बरकरार रहेगी अल्लाह के हुक्म से। जब तक हम जिंदा हैं हम चलते रहेंगे, ये काम करते रहेंगे, सिलसिले चलते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होते। हमारी नानी दादी के उनसे पहले उनकी नानी दादी के, तैयारी में हमारी चिकन की रेडी हो गई है, बस इंशाल्लाह अभी हम आपके सामने इसकी डेलीगेशन कर दें, आपको दिखाते हैं जरा हमारे चिकन खुरमा तैयार हो जाए। आप यकीन करें नाजरी, मैंने कभी किसी से खाना पकाना सीखा नहीं है, सिर्फ मम्मी को एक देखती थी पकाते हैं और उन्हीं से सब कुछ देख के आ गया।
कभी ट्राई नहीं किया था घर में शादी से पहले? हाँ, शादी के बाद काफी चीजें ट्राई करी हैं। पहले मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आए ये सब मेरी चीजें बनाई, बहुत सादा तरीके से बनाती हूँ, कोई ज्यादा मसाला नहीं, कोई उसमें चीजें नहीं मैं ऐड करती, बहुत सादा जो हर घर में बन जाए बस आराम से हर चीज घर में होनी चाहिए वो चीजें मैं डालती हूँ, बस यही मेरा तरीका है। जो चीजें अवेलेबल है आप उसको यूज करें, इस्तेमाल करें, चीज भी अच्छी बन जाएगी। बहुत से लोग बहुत पानी जैसा बनाते हैं, ऐसा लगता है दूध गर्म किया उसमें सेवई डाल के दे, ऐसा नहीं अच्छा लगता। आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा।
हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक प्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। Assalamualaikum, this is your host Zoe Bashi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world what happened in the last week. Australia towards to England. Let's talk about some other news from Formula One. Keep watching livetv.tv. And next weekend, I'll bring you some latest news from the sports world. ہر قبر میں الگ الگ طلاق دی جاتی ہے، یہ ہے سنت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ تمام مسلمان پر تین اگر لفظ کہہ دیے تو وہ تین طلاق ہی شمار ہوگا۔ قرآن کہتا ہے طلاق ہوگی، دو طلاقیں وہ بھی دو دفعہ ہوں گی ایک دفعہ میں نہیں، تو تین طلاقوں کو کیسے قرآن مانے گا؟ حدیث کے سامنے، اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے حضرت عمر کے حکم کو پیش کرنا یہ زیادہ، یہ حرارت تک نوبت پہنچتی کیوں ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے، طلاق کو مشکل کیا ہے۔ ہمارے نکاح کو مشکل کر دیا گیا، طلاق کو آسان کر دیا گیا ہے۔ ہر چیز میں آپ کی مطلب دین کو دین گنا جاتا ہے اور طلاق کی لفظ میں آپ کی تین کو تین کیوں نہیں گنا جاتا؟ ہمارے معاشرے میں میری اکثر کمیونیکیشن ہوتی ہے، میں حیران ہوتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں جب تک تین دفعہ طلاق نہیں دی جائے طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ طلاق کہنے سے بھی طلاق ہو جائے گی، وجہ ہی ہوگی۔ یہ آپ کو ایک روایت دیتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے تین نہیں دی، ایک دیے، یہ آپ قیامت کی صبح تک بھی نہیں پیش کر سکیں گے صحیح روایت کوئی بھی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے مولانا صاحب کہ ہم رسول اللہ کا قول پیش کر رہے ہیں اور آپ اس کے جواب میں حضرت عمر کا قول پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایک نبی کے قول یا فعل کو نبی کے قول اور فعل کے سامنے کیسے لا سکتے ہیں؟ ناسی، یہ میری کڑھائی بالکل ریڈی ہو گئی ہے، ابھی میں دم پر
کی ہری مرچ تھوڑی سی ڈالنے جا رہی ہوں. کلر دیکھیں آپ کڑھائی کا کلر, کلر دیکھیے یہ میری کڑھائی بالکل ڈل ہے, یہ دیکھیے یہ ہو گئی ہے. اور تھوڑی سی ابھی میں اس میں ادرک ڈالوں گی اور بعد میں اوپر سے گارنش کے لیے ڈالوں گی. کڑھائی از ریڈی ناؤ, فل ریڈی. اوکے ڈن, چلے یہ ہو گیا. اب میں یہ میری کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے, یہ دیکھیے آپ کے سامنے. یہ میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں. آج ہمارے شو میں جو ٹاپ 10 انڈین نہیں نا بالی ووڈ پاکستانی سانگ جو ہمیں بہت پیارے ہیں اور آج بھی ہم لوگ سنتے ہیں. Do your feedback on our every page, that is www.facebook.com/thelivetv.tv. Until next time, your host Anamak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching the live TV.
Assalamu alaikum, this is your host Zoe Bashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world what happened in the last week. Australia towards to England. Let's talk about some other news from Formula One. Keep watching livetv.tv. And next weekend, I'll bring you some latest news from the sports world. On www.thelivetv.tv पर आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया है रेहान अल्लाह वाला साहब ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाए आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं वो ना करे जो वो चाहता है पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी अपनी कॉम के अंदर भी बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा कि हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से काफी ज्यादा इश्यूज हैं हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है अच्छा हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है हजामा क्या है जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए